तो आप भी अगर मेरी तरह जॉब करते हैं और सिंगल रहते हैं तो आप ये खाना ज़रूर बनाना जो कि झटपट बन जाता है। मैंने एक कटोरी आटा लिया है जिसमें मैंने प्याज, स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी धनिया पत्ती और बीट रूट कस के कद्दूकस करके डाल दिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाल के एक अच्छा सा आटा गूंथ लिया है जो कि थोड़ा सा टाइट है। हमको रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट ही इसको रखना है क्योंकि बाद में ये थोड़ा सा पानी भी छोड़ेगा। और इसके साथ मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी जो कि बहुत ही डिलीशियस बनी थी। मैंने सरसों का तेल लिया, जीरा, हरी मिर्च, क्योंकि मेरे घर सब्ज़ी नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर डालकर इसकी बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी बनाई थी जिसको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है और हमको सिर्फ थोड़ा क्रंची क्रंची रखना है। और बाद में आप थोड़ा सा इसमें लहसुन कूट के ज़रूर डालें, आप देखेंगे कि सब्ज़ी का टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा। हल्दी, मिर्च, धनिया पत्ती पाउडर और धनिया पत्ती डालकर इसको पका लें और इसको सर्व करें और अपने पराठे के साथ खाएं।